Hope, uh, li है, okay. कल किसी भाई ने बोला कि जी रोज वीडियो डालेंगे रोज ऐड आएंगे और पता नहीं क्या क्या अरे भाई लेकिन जब देखें होता ही है कि लंबी ई मेल में लंबी वीडियो में चार ई मेल होती ना तो किसी ना किसी के मतलब का काम निकल आता है जब सम सामने लिखा होगा जी कौन सी डिग्री लूँ तो जो डिग्री वाला नहीं है उसके काम की नहीं वो बंद कर देगा ना तो ऑडियंस वहाँ से भी तो कम होगी अजीब बस दूसरों के पैसों पे नज़र होती है भाई इतने पैसे आते होते ना तो क्या ही बात है खैर विदाउट फर्दर अडू आज की ईमेल की तरफ चलते हैं और आज की अपडेट ये है कि अच्छा दिन रहा और सोशियोलॉजी की आज भी क्लासेस हुई हैं एंड वीअर लाइक एक्टिवली प्रसूंग इट एंड द मीन टाइम हमारा जो इसके ऊपर वाला रूम है उसको हम बिल्कुल डेडिकेट कर रहे हैं एजुकेशन चैनल के लिए उस पर कल से काम हो रहा है क्या क्या काम हो रहा है अच्छा हाँ कैमरे की पूरी ग्रिल लगती है ताकि सॉरी लाइट्स की पूरी ग्रिल लगती है ताकि लाइट मूवमेंट आसान हो बार बार सीढ़ियों पर चढ़ के लगाना उतारना ना हो इंजरी का ख़तरा होता है प्लस लाइट्स बड़ी डेलिकेट होती हैं तो वो डंडे से ही मूव हो जाती हैं राइट और पेंट होगा पूरा ग्रीन स्क्रीन आएगी उसकी अलग स्विच बोर्ड्स वगैरह इलेक्ट्रिक का पूरा काम होगा सो हम एक पूरा रूम डेडिकेट करें ताकि अब जैसे मैंने आसगंजी से एक दोपहर को करना था सोशियोलॉजी की टीचर आई तो ऑब्वियसली हा टू लेट लेट हर डू द द थिंग तो अब क्योंकि ये कमरा उसी से कमरे से कनेक्टेड है तो ये नहीं हो पाता था, था तो ताकि ये बिल्कुल सेपरेट हो ताकि हमारा भी ना हर्डल हो और वो काम भी चलता रहे इन शाली का सो दैट इज़ द गेम और उस पर बहुत जल्द मैं आपको अपडेट्स दूंगा और बहुत मज़े मज़े की अपडेट्स दूंगा और सब्सक्राइब uh, uh, करना नहीं भूलिएगा सब्सक्रिप्शन में काफ़ी फ़र्क आया है डेली वीडियो से जो कि मेरा गुमान था वाकई काफ़ी लोगों तक जारी है एंड दैट इज़ दैट इज़ द गोल कि ज़्यादातर लो, ज़्यादा लोगों तक मैसेज जाए ठीक है वरना कॉन्टेंट बनाना तो भाई मेरा मेन चैनल अच्छा खासा बड़ा है वो अच्छे पैसे वहाँ से बन जाते हैं मुझे जरूरत नहीं इसकी एनीवे वे चलते हैं आज के सवाल की तरफ हाउ टू गेट रेड ऑफ इंटेंस फैंटसी इन रिलेशनशिप आई थॉट दिस वुड बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी लोगों का मसला रहता है ये वाली चीज़ें हाई जुनेद भाई स्ट्रेट टू द पॉइंट आई एम ट्वेंटी सिक्स हैविंग अ गुड पोजिशन इन अ वेल रेप्यूटेड आई टी फर्म इन पाकिस्तान मैं शहर का नाम नहीं ले रहा वी आर अवली मैरिड कपल Tied in a love marriage bond, living happily. Once I watched a movie, Fifty Shades of Grey, and I hated that person how he tortured his girlfriend sexually. But now sometimes I feel myself extremely horny that I wish to have uh, sex just like rape. Forcefully and tear down the clothes of my sex partner, then torture a little bit. Uh, slap on her butt or pull her hair or even sometimes bite her, but all in limits because I'm in senses. My intention is not to hurt her. Uh, just it is just for fun. Because I haven't yet. I can control myself because I respect my wife, but after a few days I pass this situation I come across this situation again, my question is should I do it with her permission to satisfy myself? Uh, by convincing her that it's just my wish for fun and not for the purpose of hurting her, maybe I will realize that this is what it is, or should I not? Maybe this act arouses my feelings. Either I or my wife become addicted to this fun. If I don't, how can I get rid of the thoughts of this act? I'm clearly saying I'm not a porn or drug addict. I'm just curious to fantasize this experience. Thanks. सो so, एक साहब हैं उनकी शादी आपने नहीं लिखा कितना अरसा हुआ है छब्बीस के हैं तो कितना ही अरसा हुआ होगा राइट और उन्होंने फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे देखी और उससे वो बड़े फैसिनेट हुए हैं एंड ही इज़ लाइक आई वॉन्ट आट आई डों वॉन्ट हर्ट माई वाइफ बट मुझे अब बार बार ख्याल आता है मुझे इस तरह करना देखें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फिल्मों से इंसान ज़रूर इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी हद हाँ तक मैं आज ही एक मेरा एक साहिबा आई थी इंटरव्यू ले रही थी उनको मैं यही बता रहा था कि अभी इन वो पूछ रही थी कि इन्फ्लुएंसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वगैरह वगैरह तो मैंने उनको बताया एक ज़माने में मैं वीडियो में सिगरेट पी लेता था, था फिर ज़ाहिर है मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार बहुत सारे बच्चे देखते हैं मैंने एटलीस्ट ऑन स्क्रीन सिगरेट पीना छोड़ दी और कई बार वेप की कंपनीज़ ने बोला जी हमारा वेप इंट्रोड्यूस कराएं तो मैंने वो नहीं की एक और बहुत बड़ा ब्रांड है टोबैको से रिलेटेड मैंने उनको भी मना कर दिया कि आई कैन नॉट इन बिकॉज लोग पिकअप कर सकते हैं बुरी आदत और अभी भी Uh, कभी कभी अगर कभी शीशा भी पी लूँ आपने कभी मेरी स्टोरी में शीशे की तस्वीर या वो धुएं निकलते हुए नहीं देखे होंगे बिकॉज आई अंडरस्टैंड बच्चे देखते हैं बच्चे इन्फ्लुएंस रहते हैं क्योंकि मैं खुद ड्रू बेरी मोर को देख के सिगरेट पीना शुरू किया था एक फ़िल्म थी होम फ्राइज़ के नाम से उसमें तो बड़े मज़े से गाड़ी में लेट के सिगरेट पी रही थी और बड़ी अच्छी अच्छी क्या बड़ी वियर्ड स्टोरी थी कि वो एक साहब होते हैं उनके दो बेटे होते हैं तो वो उसका उन साहब से भी चक्कर होता है और उन दोनों बेटों से भी चक्कर होता है बड़ी वियर्ड फिल्म थी तो उसमें वो बड़े मजे से सिगरेट पी रही थी तो, तो दैट रियली मेड मी फैसिनेटेड क्या यार सिगरेट क्या धुआं निकाला उसने एंड दैट्स हाउ आई पिक्ट अप स्मोकिंग सो किसी हद हाँ तक इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है लेकिन कहीं कभी कभी बट इन मोस्ट केसेस आप इन द बैक ऑफ योर हेड ये चीज़ें होती हैं और आप सिर्फ एक्सक्यूज़ देना चाह रहे होते हो क्या पता मैं सिगरेट पीना ही चाह रहा था क्योंकि उस जमाने में टीवी में तो धड़ाधड़ धड़ एड आते थे गोल्ड फ्लेक के और और रेड एंड वाइट के और कि भाई जेम्स बॉन्ड है सिगरेट पी रहा है वो स्नूकर वाला ऐड याद है स्नूकर खेलता है और फिर वहाँ पे एक क्राइम होता है फिर वो भागते हैं बड़े मजे से रेड एंड वाइट पीता है या मालब्रो मैन की इतनी प्रमोशन होती थी तो जाहिर है वो मेरे सबकॉन्शियस में तो थी एंड देन आई जस्ट ब्लेम्ड ड्रू वेरी मोर बिकॉज इट्स ईजी टू ब्लेम समन सो सो मे बी इन योर केस दिस इज़ अ दिस कुड बी केस ऑफ़ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप uh, किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करें क्योंकि आपको कोई अंडर लाइन अंडर लाइन इशू हो सकता है या कोई आपका प्रीवियस ट्रामा है जो ट्रिगर हो रहा है दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस एंड इट कैन हैव डिटर्मिटल इफेक्ट्स और इन फ्यूचर ये चीज़ आगे जाके बढ़ भी सकती है इन मामला में देखें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये चीज़ें जो है ना पार्टनर से डिस्कस करने की होती हैं स्पेशली इन केस ऑफ अगर जैसा कि आपने कहा लव मैरिज है तो ये चीज़ें डिस्कस uh, करने की होती है कि जी मेरी एक्सपेक्टेशन ये होंगी तो क्या आप इन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरती हैं या वेर डू वी ड्रॉ द लाइन कुछ केसेस में लोग ये करते हैं इन ऑर्डर टू स्पाइस अप देयर मैरिज ऑब्वियसली अगर शादी को 10 साल 15 साल 20 साल हो जाए तो जाहिर है हर हर चीज़ जो है एक वक्त के साथ साथ उसकी अब तलब कम होती जाती है या फिर उसकी अपील जो है वो कम होती है जिसको पीपल ट्राई टू स्पाइस इट अप बा ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स जिस लोगों की अपनी अपनी छोटी मोटी फैंटेसीज़ होती हैं या तो रोल प्लेइंग हो गई या आप किसी किस्म का एड का इस्तेमाल करना है दैट्स वहाँ तक ये बात सही रहती है और ये चीज़ें वेलनेस के कैटेगरी में आती हैं फॉर एग्जांपल अगर आप बूट्स वगैरह में या दुनिया में किसी भी मुल्क में अगर आप इस तरह की रिलेटेड प्रोडक्ट्स की सेक्शन में जाएँ तो वहाँ पर लिखा होता है वेलनेस सेक्शुअल वेलनेस तो ये वेल्स के ज़ुमरे में आती हैं एंड इट इट एक्चुअली मेक्स यू फील वेल तो नथिंग रॉन्ग वहाँ तक ठीक है ना अगर आप कोई चीज़ ट्राई करना चाह रहे हैं आप इसमें इस ज़रूरी है सबसे पहले कि आपने कम्युनिकेशन करनी अपने पार्टनर से देन यू हैव टू लाइक ड्रॉ लाइट अब ये जो बातें आप करें ना ये बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें राइट छोटा मोटा चलता है भाई अगर आपकी कोई फैंटसी है कि वो शी शुड लुक लाइक दिस और आई शुड बी इन दैट सिचुएशन छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं राइट मगर ये जो आप कह रहे हैं ना ये बहुत एक्स्ट्रीम लेवल की है एंड वंस यू गड हैंग ऑफ़ इट देखिए ये भी एक एडिक्शन ही है ठीक है ना सेरोटोन इन सारा गेम केमिकल्स का है एक बार आपको उसमें मज़ा आ जाना फिर वो चीज़ ज़्यादा हो सकती है कम नहीं हो सकती लाइक like, अल्कोहल हो गई कुछ भी चीज़ हो गई कोई भी किसी भी किस्म का नशा हो गया एक पॉइंट के बाद आपको वो सेम अमाउंट या वो सेम अमाउंट ऑफ एल्कोहल या सेम अमाउंट ऑफ वीड असर ही नहीं करती क्योंकि आप वो रोज़ वहाँ तक आते हैं फिर आप कहते हैं तो थोड़ा और थोड़ा और अभी आप ऑलरेडी काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर हो और जैसे कि हम देखते हैं अक्सर अक्सर और बेशतर सेक्सुअल क्राइम से जितने हमारे यहाँ हो जाते हैं हमारे नॉट नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बल्कि दूसरे मुल्कों में भी वो इसी चीज़ की एक एक्सटेंशन होते हैं चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ दिस इज थिंग कॉल्ड ऑटो एरोटिक एसफिक्शन ठीक है ए एस पी एच वाई एक्स ए टी आई यू एन राइट ये क्या होती है अगेन मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा कोई मैं यहाँ पे उसकी वो प्रचार नहीं कर रहा मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए जा रहा हूँ इसमें लोग क्या करते हैं कि पीपल टाई देम ठीक है ना अपना गला बांध देते हैं एंड एज देर रीचिंग द क्लाइमैक्स तो वो नॉट को टाइट करते रहते हैं अपनी एयरवेव को एयरवे को ब्लॉक करते रहते क्योंकि वो जितना ब्लॉक करेंगे प्लेजर उतना ज़्यादा होगा ठीक है ना अब इसमें अक्सर औकात एक्सीडेंट्स हो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पी टी वी पर एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ आती थी कंगफू के नाम से कंगफू पांडा नहीं ना ही मैं ब्रूसली वाली फिल्म की बात करूँ कंगफू एक अलग सीरीज़ होती थी वॉज एन अमेरिकन सीरीज़ तो उसमें कोई मास्टर होता है एक उसका जो है स्टूडेंट होता है वगैरह वगैरह तो वो जो मास्टर थे वो बड़े फेमस एक्टर थे उनकी डेथ इसी तरह हुई थी थाईलैंड के एक होटल में वो अपने आप को क्योंकि वो चूंकि इस चीज़ के इतने आदि हो गए थे कि वो कह रहे हैं और टाइट करो और टाइट करो फिर वो टाइट टाइट में चीज़ें हाथ से निकल गई और उनकी सडन डेथ हो गई और इस तरह के बहुत सारे वाकत होते थे इनफैक्ट अभी रिसेंटली भी एक वाक़ शेन वॉन्ड का जो वाक़ था उसको भी लोग इसी से जोड़ रहे थे क्योंकि ही वॉज़ अ सेक्स एडिक्ट एज वेल उनकी काफ़ी मल्टीपल वीडियोज़ भी आई थी वगैरह वगैरह एंड ही वॉज इन हार्ड हार्ड लेवल ड्रग्स में भी उनका वो था बट खैर अल्लाह जाने कि क्या हुआ मगर चूँकि वो थाईलैंड में हुआ था तो मेरे फ़ॉरन क्लिक हुआ वही कंकू वाले अंकल क्योंकि उनका भी थाईलैंड में हुआ था और इस तरह के सर्विसेज दी जाती हैं लोगों को बताया जाता है क्योंकि वंस यू वंस यू गेट टायर्ड ऑफ रेगुलर शेड फिर जो है आप दूसरी दुनिया एक्सप्लोर करते हो और उसमें फिर हर किस्म की वियर्डनेस मौजूद है तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई इस चीज़ को आप इधर ही रोक लें कंसल्ट करें ठीक है ना थेरेपिस्ट से और आ, देखें कि इसमें कहाँ इशू आ रहा है क्योंकि वन सी वॉट इफ़ योर वाइफ इज़ वन ऑफ दोज ओबीडियंट पीपल के चलो ठीक है जो की ख़ुशी में मेरी खुशी शायद वो इस चीज़ से ओके ना हो अक्सर औरतें जो हैं प्रेशर में होती हैं इन इन मामला में ख़ास तौर पे प्रेशर में होती हैं यार चलो मर्द खुश रहे मेरा मर्द इधर उधर ना जाए मैं नहीं अगर नीड पूरी करूँगी वो कहीं और जाएगा तो उनका शायद कंसेंट भी हंड्रेड नहीं होता दूसरा ये जो ब्रोटेलिटी वाला जो मामला है अगर ये हाथ से निकल गया और आपको फिर एक पॉइंट के बाद के चलो ठीक है जी मैं चोकिंग भी कर लूँ अब चोकिंग में क्या होता है अगेन देखें ये बा, बातें बहुत से लोग सुन के हंस रहे होंगे लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं ये बहुत ज़रूरी बातें हैं क्योंकि इन चीज़ों पे हमारे यहाँ ना कोई एजुकेशन है ना इन चीज़ों पे सिखाया जाता है लोगों ने जो, जो पौंट में देखते हैं कहते हैं घर में भी ऐसा होगा भाई वो वो एक्टर्स होते हैं और वो प्रोफेशनल्स होते हैं फिर आप वो एक्सपेक्टेशन अपने घर में लेकर आते हो जिस तरह आप फिफ्टी शेड्स ऑफ़ ग्रे घर में क्रिएट करना चाह रहे हो तो उससे फिर होता क्या है चूँकि लोग एजुकेटेड नहीं होते तो वो गलतियाँ कर जाते हैं और वो गलतियाँ कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग गलतियाँ भी हो जाती हैं सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अक्सर लोग लोग चोक भी करते हैं सो लाइक एज़ योर नियरिंग योर क्लाइमैक्स तो आपकी हर चीज़ की ग्रिप टाइट होती रहती है उस टाइटनेस में अगर आपने एयरवेव दबा दिया टेटवा दबा दिया आपने अगली की मौत हो गई क्योंकि आप तो इन द हीट ऑफ पैशन चीज़ें नहीं समझ आती ठीक है ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वो पोस्ट नट क्लैरिटी क्यों बोलते हैं वो यही होती है कि वंस यू क्लाइमैक्स फिर आपको समझ आता है मैं क्या कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ें जब आप पे वो आ, एक चीज़ सवार होती है तो आपका जहन काम अक्सर व बेशतर नहीं कर रहा होता तो वो कहते ना आ, ए, मर्द के बॉडी में उतनी ब्लड सप्लाई है कि वो एक ब्रेन को सप, सपोर्ट कर सकती है अगर यहाँ नहीं तो फिर कहीं और वीवे वोड एम सिंह तो अगेन हंसने की बात नहीं है बेटा ये बहुत सीरियस बातें हैं ये बहुत आ, और ये घर घर की बातें हैं ये शुक्र है आपने ईमेल की इससे पहले कि आप ख़ुद घर में ये चीज़ें शुरू ही हो जाते हैं ऐसे ही कम्युनिकेट करें अपनी बेगम से और आ, इतनी एक्सट्रीम पे ना जाएं मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड ही करूँगा क्योंकि फिर इससे इससे वापसी का कोई रास्ता नहीं है एंड देन उसमें फिर डैमेज़ का ख़तरा है इसमें ज़ख्मी होने का खतरा है इवन इंसान जान से भी हाथ धो बैठता है ये बहुत सीरियस मामला होते हैं तो आप किसी को कंसल्ट करें आ, सेक्सोलॉजिस्ट भी बहुत होते हैं हमारे मुल्क में ये भी एक जाहिर फील्ड है काफ़ी नामी ग्रामी सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं आप आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ भी होंगे बड़ा शहर है तो उनसे आप कंसल्ट करें उनसे भी बात करें कि भाई आ, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ मैं आगे जाने से मुझे घबराहट हो रही है आई डोंट वांट टू हर्ट हर जो भी आपने कंसर्न मुझे लिखे एक्जैक्टली exactly आप उनको बताएं डॉक्टर से और लॉयर से बेटा कभी कुछ नहीं छुपाना बेटा बेटी जो भी सुन रहे हैं डॉक्टर और लॉयर से हमेशा बस जो आपके अंदर का होता है ना वो बाहर होना चाहिए क्योंकि इनकी खास ट्रेनिंग ये होती है कि इन्होंने कभी अपने क्लाइंट को अपने पेशेंट को जज नहीं करना होता राइट right? इनकी बाकायदा इस पे एथिक्स पे अलग क्लास होती है कि आपने कभी भी उनको जज नहीं करना अब अस्पतालों में लोग अजीब अजीब केसेस लेकर आते हैं राइट वो उनके लिए नॉर्मल होता है क्योंकि वो उसको इंसान को उस, उस नज़र से देख ही नहीं रहे होते अब ख़ात के बड़े मसाइल होते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मेमोग्राम कराना है या अब या यू नो you know, ब्रेस्ट एग्जाम करवाना है तो अगर डॉक्टर के उसमें वो नहीं होगा ना तो वो फिर रिलेशनशिप हो नहीं पाएगी तो वो चूँकि इसी तरह कोई गंदा सा ज़ख्म हो डॉक्टर कभी मुंह नहीं बनाते राइट उनकी ट्रेनिंग होती है उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है तो आपने कभी भी जो है ना डॉक्टर से और लॉयर से कुछ भी नहीं छुपाना क्योंकि वो आपको तभी सही मशवरा दे पाएंगे जब आप उनके साथ सही होंगे जो भी हो बता दें तो आप देखें लाइक मैं मैं हमेशा वीडियो के शुरू में भी डिस्क्लेमर आता है डिस्क्रिप्शन में भी डिस्क्लेमर है मैं बारहा मुँह से भी कहता हूँ मैं किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं सिर्फ सुन लेता हूँ आपकी बात और अपने उससे जितना हो सकता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ तो इसमें मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा एंड आई एम ग्लैड बेटा आपने मुझे लिखा है ये बात Uh, और मैंने इसको इंक्लूड करने की वजह ही ये थी ये घर घर का मसला है और इस पर लोग बात नहीं करते इसके साथ लोगों ने इतना शर्म का एलिमेंट अटैच कर दिया है ठीक है अब मीन ऑब्वियसली बेडरूम की बातें हर जगह नहीं शेयर करनी चाहिए लेकिन अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए और ये बहुत से लोगों का इशू है और ये आपका नेटफ्लिक्स हो गया आपका पोर्न हो गया इसने लोगों के बहुत दिमाग ख़राब किए कल मैं यहाँ ऑफिस में बैठा था आई वॉज वेटिंग फॉर अ फ्रेंड तो मैं ऐसी नेटफ्लिक्स ब्राउज करने लगा कि नया क्या है और मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि नेटफ्लिक्स जो है ना वो सेवन डेडली सिल्स जो है ना जो बाइबल में भी बताए गए हैं उसी पे खड़ा मैं पूरा नेटफ्लिक्स मैं गया जी पहला जी आया जी ऑर्गेजम के नाम से एक शो आया अब वो आपके उसे खेल रहा है ठीक है अगला आया जी बिलियन एयर बैड बॉय ग्रीड आ गया फिर तीसरा आ गया मास्टर शेफ ग्लटनी आ गया सेवन सिंस पे खड़ा है और वो फिर नारकोस भी आ रहा है ग्लैमराइज ड्रग्स को इतना ग्लैमराइज किया जा रहा है और दिस एंड दैट दीज प्लेटफॉर्म आर वेरी वेरी डेंजरस तो इस पर आप जो है ना अपने सर पर संवारने के, के लिए इंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए ज़रूर देखें चीज़ें मगर इन चीज़ों को अपने सर पर सवार होने से बचाएँ और इन चीज़ों का बिल्कुल अफेक्ट uh, होता है बहुत केयर करने की ज़रूरत है प्लीज़ बी वेरी वाइज वाट यू चूज़ एंड वॉट अगर आपको लगता है कि आप गलेबल हैं आसानी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं तो आप ये चीज़ें अवॉइड करें क्योंकि फिर देर देर इज़ हाईली लाइकली लाइकली कि आप इन चीज़ों से इन्फ्लुंस हो सकते हैं और ना सिर्फ आप अपना बल्कि दूसरों का भी नुकसान कर सकते हैं अब ये जो फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे वाली चीज़ है अगेन दीज थिंग्स एग्जिस्ट कुछ लोगों की फैंटसीज़ होती हैं बट इन चीज़ों के बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट भी होते हैं सम पीपल आर ट्रेंड फॉर दीस थिंग्स फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे ही एक देख रहा था बाकायदा इन चीज़ों की क्लासेस होती हैं बाहर मुल्कों में ऑब्वियसली यहाँ तो जिनकी फैंटेसी है जी डोमिनेंस की फैंटेसी है फ़लानी ढिकानी जो भी चीज़ें हैं उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है उसमें सिखाया जाता है सेफ़ वर्ड क्या होता है ये भी बताया जाता है वन आपने कब रुकना है कब करना है आपके सेफ़ वर्ड क्या हैं इसके पीछे बड़ी आ, ये भी एक सिखाई जाती हैं चीज़ें ठीक है ना अब ज़ाहिर है जिनकी फैंटीज़ होती हैं वो इन चीज़ों को उस तरह परसू करते हैं अब यहाँ पे सिखाने विखाने वाला कोई सीन है नहीं बस जो फिल्म में देखा आ जाओ जी घर पे ऐसे नहीं होता भाई आ, हर चीज़ के पीछे ना थोड़ा थोड़ी थोड़ा पढ़ ही लिया करें अगर चले यहाँ पर कुछ सीख नहीं रहा तो थोड़ा पढ़ लें उसके रिस्क और बेनिफिट्स ये हमेशा मेडिकल में टर्म यूज़ होती है रिस्क एंड बेनिफिट्स हमेशा सर्जरी से पहले भी पेशेंट को बताए जाते हैं रिस्क एंड बेनिफिट्स बेनिफि आपके रिस्क ये हैं लेकिन बेनिफिट्स भी हैं अभी आपने वे करना है कि आपको किस साइड जाना है राइट right? तो ये चीज़ें बहुत रिस्की हो सकती हैं और फिर कभी कभी बहुत सारे सेक्शुअल क्राइम्स में ये वो चीज़ें होती हैं जो घर से शुरू हुई होती हैं और फिर ये बाहर निकल आती हैं फिर एक पॉइंट के बाद आपको घर से ये समझ नहीं आ रहा होता लाइक यू नॉट फीलिंग द प्लेजर फिर देन यू ब्रिंग इट आउट देन यू मीट पीपल फिर आप उनको फैंटेसी के नाम या किसी भी नाम पे लूर करते हैं एंड देन ये जितने भी हम सेक्शुअल क्राइम से रिलेटेड जितनी हम क्राइम स्टोरीज देखते हैं चाहे वो दिल्ली क्राइम हो या इस तरह की दूसरी सीरीज हो वो वो इन्हीं चीज़ों से आहिस्ता आस्ता आहिस्ता ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं समझ रहे हैं मेरी बात पहला कतल मुश्किल होता है दूसरा इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि पहला पहले पर सारा हो जा हो चुकी होती हैं इसी तरह ये चीज़ें कब नॉर्मलाइज हो जाती हैं और आप कब इन चीज़ों में कितना आगे निकल जाते हो आप सोच नहीं सकते अब मैं जितने लड़के मैं लाइक बीइंग अ गाय मैं लड़कों से ही सवाल पूछूंगा चल लड़कियों के लिए भी सवाल ओपन है इफ़ यू आर इन योर थर्टीज़ राइट आप सिर्फ ये देख लें कि वेन यू आर एटीन इफ़ यू इफ़ यू कंज्यूम पोन इवन दो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता इट्स एन एडिक्शन और ये कोकेन से ज़्यादा ख़तरनाक एडिक्शन है ये बहुत खतरनाक एडिक्शन है इससे बिल्कुल दूर रहें जहाँ ख्याल आए देखने का पुशअप्स कर लो सो जाओ थक थक के सो जाओ ठीक है ना रनिंग कर लो ट्रेडमिल पे भाग लो कुछ भी कर लो डोंट गेट टू इन टू दैट बट फॉर दोज हु कंज्यूम आप 18 साल की उम्र में क्या देखते थे क्या चीजें और आप अब 36 के आप क्या देख रहे हैं right? राइट बहुत से लोग कहाँ कहाँ निकल जाते हैं उसमें और वो ट्रांजिशन कब हुई आपको पता भी नहीं चलेगा इट्स नॉट लाइक आप रेगुलर चीज देख रहे हैं एंड सडनली यू ट्वेंटी फोर चलो जी आज से मैं मिजर्ट्स देख रहा हूँ या आज से मैं ये देख रहा हूँ या वो देख रहा हूँ इट्स ए वेरी ट्रांजिशनरी बहुत आराम आराम से ये चीज़ें ईज इन हो जाती हैं फिर मीडिया भी आपके ज़ाहिर है उसमें चीज़ें पम्प कर रहा होता है नॉर्मलाइजेशन में सो so ये चीज़ें दीज वी आर लिविंग इन अ वेरी वेरी डेंजरस टाइम बहुत डेंजरस टाइम है आज ये एक सियासतदान की वीडियो लीक हो गई आई मीन लाइक हम 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 अब इस दौर में रहते हैं दिस इज़ एक्सट्रीमली वेरी सैड के लोगों की नज़रें अब आपके बेडरूम तक आ गई हैं आपके बाथरूम तक लोगों का एक्सेस आ गया प्राइवेसी नहीं रही किसी चीज़ की तो चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं मैं सबको मशवरा देता हूँ इन चीज़ों से दूर रहें इंटरनेट नेवर फॉर बी वेरी वेरी माइंडफुल कि आप इंटरनेट पे क्या चीज़ भेज रहे हैं किसी को क्या चीज़ रिसीव कर रहे हैं एक बार उसका इंटरनेट फुटप्रिंट बन गया वो फिर कभी भी नहीं जाता और हम पहली जनरेशन है स्मार्टफोन वाली तो अभी हमें बेनिफिट्स नज़र आ आए अच्छा जी स्नैपचैट है चलो जी तस्वीर गायब हो जाती है कोई गायब नहीं होता सब डेटा सब क्लाउड में फंसा हुआ है तो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल 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 सेफ रहें दीज आर वेरी टेस्टिंग टाइम्स ये हम बहुत डेंजरस दौर में रहते हैं कल ही मैं सुन रहा था एक टिकटॉक मेरी नज़रों से गुजरी कि अ थर्टीन ईयर ओल्ड टुडे कैन सी मोर नेकेड वमेन इन फिफ्टीन मिनट्स देन द रिचेस्ट किंग एवर इन हिस्ट्री किंग्स के तो बड़े हेरम्स होते थे ना उनके तो बड़ी यशियाँ होती थी साठ साठ औरतों का हेरम होता था मैंने एक विजिट किया था अलेक्जेंड्रिया में किंग फारूक का पैलेस इट्स राइट नेक्स्ट टू अलेक्गजेंड्रिया बीच और एग्जेंड्रिया लाइब्रेरी के पास है साथ में उनका हेरम हेरम इतना बड़ा था भाई हरम जिसको कहते हैं हम उसमें उनके कोई साठ सत्तर बीवियाँ कह लें या आप जो भी कह लें तो वो वहाँ होती थी कॉन्क्यूबाइंस जिनको कहते हैं और उनके लिए समंदर uh, जैसे uh, एक दीवार सी बनाई हुई थी टू uh, थर्ड्स और थोड़ा सा पानी का छोड़ा हुआ था तो उस दीवार से क्या होता था जो मेडिटरन सी है उसका फ्लो टूटता था और वो जो छोटा सा गैप था वहाँ से पानी अंदर आता था एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बन गया था और वहाँ पे आ, उनकी जो थी कॉन्क्यूबाइंड दे वुड स्विम नेकेड और ये भी फिफ्टीज की बात है ये मिसर था हमारा सो आई मीन या सो पॉइंट बीइंग कि आज का तेरह साल का बच्चा हैज़ हैज सीन मोर नेकेड वन देन एवरी वन माइंड मतलब उसकी जनरेशन में ही जितने अगर आप लगा लें सो सोया वी वी आर लिविंग इन एक्सट्रीमली डेंजरस टाइम्स एंड इसमें अब कुछ भी जो है ना आपका नहीं रहा uh, सब कुछ इज़ एक्सेसबल टू एवरी वन और मीडिया uh, हो गया हमारा फूड हो गया जो हम खा रहे हैं इसने जो हमारा एक पूरा जो चक्रा होता है ना ये पूरा ख़राब कर दिया है और या मैन अब अपना ख्याल रखें मैं आपको भाई यही बोलूँगा कि आप uh, किसी साइकैट्रिस्ट को कंसल्ट करें सेक्सोलॉजिस्ट को दिखाएं अपनी वाइफ से कम्युनिकेशन करें उनका बिल्कुल उनको बोलें भाई मुझे आपका प्रेशर वाला जवाब नहीं चाहिए बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए एम बी वेरी वेरी सेफ ये चीज़ें ऐसी हैं इसमें एक बार अगर आप स्लिप हो गए ना तो फिर चीज़ें थिंग्स कैन गो एक्सट्रीमली रॉन्ग एंड मैं सबको हमेशा ये मशवरा देता हूँ यूर वन मिस्टेक अवे फ्रॉम रोइिंग योर लाइफ वन छोटी सी मिस्टेक और इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं ना वो हमेशा मदहोशी के आलम में होती हैं कभी भी होश व हवास में इंसान ये हरकतें नहीं करता तो अपनी मदहोशी को अपने सबकॉन्शियस को अपने ऊपर हावी ना होने दें अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीखें और यही टेस्ट है आपका ज़िंदगी में कि अपने आप की अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करके रखना है You हैव टू बी वेरी वेरी सेफ ठीक है ना इन चीज़ों को बिल्कुल सीरियस लें इनको मजाक मस्ती ना समझें इस एपिसोड में आपको बड़ा पूर्ण हब वाला मटेरियल मिला सुनने को और कह कह मार रहे हो ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं आप रियलाइज़ करेंगे ज़िंदगी में भी तो चलो आप सत्रह अट्ठारह साल के हो मज़े ले रहे हो वीडियो सुन के बट एज़ यू एज ये चीज़ें बहुत आपको समझ आएँगी कि मैं क्या कह रहा हूँ खैर आई होप यू गॉट टू लर्न अलाट फ्रॉम दिस एपिसोड एंड आई एम ग्लैड भाई आपने ई मेल की अपना ख्याल रखिएगा और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा एंड कैन सपोर्ट इस चैनल ऑन पे टी एम डॉट कॉम से आपसे इशाला दोबारा कल मुलाकात होगी